ऐसा है कि पहले तो ये कानून बनाए, अभी तक ये पहले जब कानून ही नहीं बना तो घोषणा किस आधार पर करते हैं? तो मेरे समझ से यह है कि इनका एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ये चाहते हैं कि राम जी की एक मूर्ति जो है बड़ी स्टेचू लगा दें अथवा और इधर उधर लोगों का ध्यान भटका करके, और लोगों को चाहते हैं कि लोग शांत हो जाए कि 2019 का इलेक्शन फिर राम मंदिर के नाम पर मैं जीतूँ। तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। यदि जब तक अगर उनको जो है राम मंदिर बनाना है तो पहले कानून बनाए और कानून बना करके लोकसभा में बिल पास करें, फिर राज्यसभा में बिल पास करें, और जिस तरह SC ST पर कानून बनाए उसी तरह से जो है राम मंदिर पर भी पहल करके और राम मंदिर के जो है भव्य निर्माण कराएं। ऐसा न करके अगर वो केवल बहकावे का काम करेंगे और ये सोचेंगे कि पब्लिक को हम राम जी की एक मूर्ति जो है तो 151 फीट की बैठा देंगे तो हिंदू खुश हो जाएंगे या और दिया जला देंगे तो खुश हो जाएंगे, तो ये उनका सोचना बिल्कुल बेबुनियाद है और ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हमको अभी जो है जितने भी बहुसंख्यक हिंदू हैं सबको सिर्फ राम मंदिर चाहिए। हमारे रामलला पन्नी में है और जय श्री राम कह करके राम मंदिर के निर्माण के नाम पर आज मेयर से राष्ट्रपति तक है, पूरी सत्ता में, सेंट्रल में गवर्नमेंट इनकी बहुमत में है, स्टेट में गवर्नमेंट बहुमत में है, 22 स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, और फिर भी यदि राम मंदिर ये नहीं बना रहे हैं तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों के साथ केवल धोखा दिए हैं। और बाकी जो आडंबर कर रहे हैं ये किसी आडंबर से हम लोग खुश नहीं होंगे जब तक राम मंदिर की घोषणा नहीं होगी, इसलिए कानून बना के राम मंदिर का शिलान्यास करें। मैं तो कहता हूं कि ये कानून बनाएं और कानून बना के 6 दिसंबर को बावली मस्जिद जो जिसको लोग कहते हैं उसका ढांचा हम लोगों ने गिरा दिया था, और इसी 6 दिसंबर को आके मोदी जी जो है शिलान्यास करें और फिर भव्य जो है राम जन्मभूमि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, तब समझा जाएगा कि बीजेपी सरकार जो है तो हिंदुओं के साथ में न्याय किया है। वरना हम लोग ये समझेंगे कि हम जो है बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया है और केवल राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी उछाल करके सत्ता हथियाने का काम किया है। और 19 में भी हम लोग जो है सतर्क हैं, यदि राम मंदिर नहीं बना तो बीजेपी को किसी भी कीमत में हम लोग एक भी सीट नहीं निकालेंगे।